चलो भाई मैं बाहर ज़रा ब्लॉग कर लेता हूँ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी, पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स। सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और टेम्परेचर है यहाँ पे कुछ 5 डिग्री के आसपास। ठंड है लेकिन धूप अब निकल आई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब हल्का हल्का वार्म लग रहा है। कल रात को हम लोग यहाँ पर आ गए थे और जिस होटल में हम रुके हुए हैं इसका नाम है प्रेम जी होटल। और ये प्रॉपर्टी कल रात को भी मैंने बताया था कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये मेन मसूरी जो टाउन है वहाँ से थोड़ा हट कर है, ज़्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर ऊपर आपको और चढ़कर यहाँ पर आना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा आइसोलेटेड टाइप का है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं और सामने का व्यू बहुत अच्छा है, मतलब पूरा वैली व्यू है। ये देखो सामने हिमालयन माउंटेन रेंजेस भी दिख रही हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। ऑलमोस्ट आधा मसूरी तो यहाँ से दिख ही रहा है। हालांकि हम लोग सब लोग सुबह जल्दी उठ गए थे लेकिन ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, मतलब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर यहाँ पर उठकर थोड़ी देर बोन फायर किया, आग वाग जलाई, हाथ सेके और उसके बाद फोटो वगैरह क्लिक करी। जब थोड़ा शरीर में गर्मी आ गई उसके बाद मैंने कहा अब आपसे बात करता हूँ। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हम मसूरी के जो टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसको कवर करेंगे, जो आसपास ही जगह उसे देखेंगे। और धनौल्टी जाने का मेरा मन तो था लेकिन अभी आसपास लोगों ने बताया कि वहाँ पर स्नोफॉल तो हो नहीं रहा है, और अगर स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो एज सच वहाँ पर कुछ नया देखने के लिए नहीं है। ऐसे ही कुछ सीनिक ब्यूटी दिखेगी, ऐसे ही लैंडस्केप दिखेंगे। हो सकता है कि हम धनौल्टी को स्किप कर दें और मसूरी के बाद यहाँ से हम चक्राता की तरफ जाएंगे। ये हमारे भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। देखो इन्होंने सुबह सुबह फोटो क्लिक कर ली, उसके बाद इंस्टाग्राम पे लग गए अपनी स्टोरी डालने के लिए। पूरा कोर्स कर लिया है योगा का, तो ठंड लगती नहीं, मतलब योगा करने के बाद? नहीं, ठंड लगती है। कुछ ईडा पिघला बोल रहे थे ना, ईडा पिघला जल नीति करते हैं ना। वो करने के बाद ना आप ऐसा फील करोगे आपके नॉस्ट्रिल्स जाम नहीं होंगे, जैसे योग के बाद ईडा पिघला होता है। ईडा पिघला ये नॉस्ट्रिल है ना, अच्छा इसी को बोलते ईडा। ईडा इधर का, पिघला इधर का, ऐसा कुछ होता होगा। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी योगा से ही होगा। तो ये भाई साहब योगा कर रहे हैं ऋषिकेश में बहुत दिनों से, तो इनको बहुत ज्ञान हो गया अभी। I'm still learning. Seeker. Like I seek everything. Okay. Beauty. I seek this too. रवीश भाई जो है ना ये आर्मी स्कूल से पढ़े हुए। आर्मी स्कूल में ऐसा होता था कि इनको इंग्लिश में बोलना ही पड़ता था, तो कह रहे थे कल बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका मिला है, कल इनको कैमरा पकड़ा दिया था मैंने, तो कह रहे थे व्लॉग में बोलने का मौका मिला। तो ये अपनी जो अंग्रेजी ना उसको दुरुस्त कर रहे हैं यहाँ पे और ऑर्गेनिकली। ये देखो जस्ट टोबैको, नेचुरल टोबैको लाइक फ्रॉम हर्ब्स फ्रॉम माउंटेन्स ओनली। ओके भाई, ऐसा कोई हम किसी टोबैको को प्रमोट नहीं कर रहे, ये फुली ऑर्गेनिक है, सो डोंट पैनिक बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक। तो फटाफट हम लोग रेडी हो जाते हैं, सबसे पहले चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम मसूरी को एक्सप्लोर करेंगे, आसपास की जो जगह है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड बाकी बातें हम करेंगे रास्ते में, ब्रेक के बाद। आ जाओ ब्रेक के बाद। निकलते हैं बाहर, यहाँ से नीचे उतरते हो तो देखो सामने इनका फर्स्ट फ्लोर भी देखो कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर बैठने की जगह है, सामने का व्यू कितना अच्छा है। ये इनका रिसेप्शन है यहाँ पर, गणपति बप्पा मोरिया, और यहाँ पर हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। बॉयज रेडी? ये मैन, हमारे भाई लोग जैसे कैमरा सामने होता है ना तो एकदम डूड बन जाते हैं, जब कैमरा ऑफ होता है तो इनकी रियलिटी आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कैमरा शाये हैं, इन्होंने तो पूरा गेटअप बना लिया अपना बाबा भूटानी वाला, ये उल्टा पहन लिया आपने, रंगबाजी जो आपकी थोड़ी सी वो ख़राब हो जाएगी। जॉर्ज एवरेस्ट के लिए भी इस तरफ से जाते हैं और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स जो मसूरी के आसपास हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। इस तरफ जाएंगे आप तो आपको मॉल रोड मिलेगा। ठीक है फिलहाल अभी चलते हैं, चले। दुकानें खुल चुकी हैं सारी यहाँ पे, अभी टाइम हो रहा है 11 और ये हम पहुँच गए मसूरी मॉल रोड में। 31 के बाद से भीड़ काफ़ी कम हो गई है। यहीं कहीं लगाते हैं, रुको, पार्किंग नहीं है तो ये गाड़ियाँ कैसी खड़ी हैं? अच्छा गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, सारी बाइक्स जो खड़ी हैं ये यहाँ के पुलिस वालों की है या फिर लोकल लोगों की है? पुलिस वालों की है सारी गाड़ियाँ? अच्छा ठीक है, पार्क कर लेता हूँ फिर उसके बाद आपसे कनेक्ट करता हूँ मैं। तो मेन मॉल रोड चौक है, वहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ वापस आ गए, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। पार्क नहीं कर सकते हर जगह, पर पेड पार्किंग थोड़ा आगे जाके है तो फिर वहाँ से वॉक करके आना ही था। और एनी हमें इसी रोड पे आगे जाना है अभी, तो हमने बाइक वहाँ पर लगा दी और यहाँ पर कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये हैं गोभी के पराठे, बड़े बड़े पराठे हैं, 2 पराठे इनफ हो जाएंगे मुझे लगता है। और भाई लोग गोभी और आलू के पराठे खा रहे हैं, पहाड़ों में सुबह इससे बेटर ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता।
ये चीनी है क्या? यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आपको कैफे दिख जाएंगे जहाँ पर आप बैठेंगे तो आपको व्यू बहुत अच्छा दिखेगा सामने। तो जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं वहाँ से भी मसूरी का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। शुगर मैं बहुत मीठा खाता हूँ बाबा, मेरा डाइट बहुत हार्ड था भाई सैनिक स्कूल में। एक डोंगा राजमा खा रहा था। मतलब बाउल बाउल बड़ा सा पतीला। एक डोंगा राजमा, 8 रोटी, 1 प्लेट चावल, 2 रुआबजे के दूध, रात का डिनर होगा। मिल लो इनसे। ये अकेले खाते थे या फिर क्लास पूरी खाते थे? नहीं, ये पूरी क्लास का खुद खा जाते थे। मीट मिस्टर रवीश। हाय। एक डोंगा राजमा खाते थे ये सैनिक स्कूल में। ऋषिकेश में जब से मैं रुका हुआ हूँ मैं रोज़ सुबह उठ के पनीर के पराठे खा रहा हूँ। तो सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट यही होता है। वहाँ पे लक्ष्मण झूला के पास एक रेस्टोरेंट है ममता, तो मैं और जयंत वहाँ पर रोज़ जाकर ममता रेस्टोरेंट में जाके पनीर के पराठे खाते हैं और बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं। तो आदत लग गई बहुत दिनों से पनीर के पराठे खाने की, तो यहाँ पर भी आया तो मैंने पराठे ही ऑर्डर करे। हमारी ऑडियंस सोचेगी मसूरी में बैठ कर हम ऋषिकेश के होटल का प्रमोशन कर रहे हैं, पर जहाँ पर भी हम खाना खा रहे हैं ये भी बहुत अच्छा खाना है। रावत भोजनालय करके है ये, मसूरी मॉल रोड से जैसे आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद राउंड मार के आते हैं मॉल रोड में। तो अभी हम लोग मॉल रोड में थोड़ा सा टहल रहे हैं इधर उधर। ऐसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ से आप खड़े होकर पूरे मसूरी को देख सकते हैं। इस समय काफ़ी धूप निकली हुई है, यहाँ से पूरा मसूरी टाउन दिखता है। और ये मॉल रोड में आगे आप जाते हो तो यहाँ पर एक तिब्बत मार्केट भी लगती है, तो वहाँ पर जो वूलन कपड़े होते हैं ना वो बहुत अच्छे वहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा टर्किश आइसक्रीम में थोड़ा उत्तराखंड का तड़का दिया हुआ भाई ने। आपको आइसक्रीम चूज करना किस वाले कौन में आइसक्रीम? आओ अच्छा अच्छा सही बता दिया, वन आइसक्रीम। बिल्कुल किस्मत किसी में नहीं है। क्यों नहीं है? तभी तो काम कर रहे। दोनों बताओगे फिर खोल के? किस्मत पक्का सोच लो। चलो ठीक है ठीक है। किस्मत उसी में उसी में। अरे भैया एक के अंदर एक थी, दो थी, एक के अंदर एक थी भैया। मैंने इसके अंदर से वीडियो निकालो भाई, कैमरे में देख लिया खुद ने, मैंने खुद ने देखा स्कैम। भैया का फंस गया था, एक आइसक्रीम फ्री हो गई। जाना मेरी जाना बचपन का प्यार। तुमने दिखाया ना अपना मैजिक, अभी अपना राहुल अपना एक मैजिक दिखाएगा इधर। आप इसमें इन कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड के ऊपर हाथ रख लीजिए, उंगली रख लीजिए कि आप ये फिर लाइक ये आपका कार्ड है, ये वाला निकाल लीजिए, इसको आप कहीं पे भी डाल दीजिए। कैमरे में भी दिखा दीजिए, कैमरे में भी दिखा दीजिए, मैं नहीं देख रहा कैमरे में। ठीक है हो गया। चलो ठीक है, बस मेरे साथ में आई कॉन्टेक्ट चाहिए होगा थोड़ा सा, दिस इज हाउ आई गेट एनर्जी। ऐसे ही मेरे को एनर्जी मिलता है। कार्ड का कलर है लाल। यही था पान का पत्ता, पान का पत्ता, पान की नमी है। सही था, सही बताया। क्या बात है, इस बात पे घंटी बजा दो एक। राहुल जो अपने हॉस्टल में बैठते हैं ना, जो इस हॉस्टल में, तो ये सारे अपने जो क्लाइंट आते हैं इनके जो गेस्ट आते हैं उनको ट्रिक्स दिखाते रहते हैं अपने गेस्ट को। आइसक्रीम अच्छा था वैसे। तुम्हारा ये वाला बढ़िया है, तुम्हारा अच्छा था, ये वाला भी ठीक है सर। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है बाहर के टर्किश? 2-3 बंदे हैं। कोई टर्किश बंदा है जो पूरे इंडिया में
तीन चार लोग हैं शायद, तीन चार लोग हैं जो अलग अलग इंडिया में जाकर सिखाते हैं, ये ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपर, उसके बाद फिर ये सारा जो होता है ना एक तरह का ट्रिक और तमाशा थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं बेसिकली लोगों को। और ये भी ध्यान रखते हो किसी की आंख में ना घुस जाए सरिया, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। 50 रुपए की आइसक्रीम थी, बाकी 250 रुपए का तमाशा था। 100 लेने तो मेरे से ले जाना, 100 ले अच्छे अच्छे से। अच्छा है बट अपने लिए नहीं, ये बेटर लग रहा है। वो ऐसे रखा हुआ था। क्या बोलते हो रवीश बाबू? हाँ ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये भी हैंडमेड है। अच्छा ये है हैंडमेड। ये अच्छा, ये क्या तिब्बत मार्केट इसी को बोलते हैं? नहीं नहीं, तिब्बत मार्केट तो आगे है। अच्छा। पर ये तिब्बती बनाते हैं, ये हैंडमेड है सर, वो बना लो। थोड़ा ये फीमेल वाला है मामला। अरे भैया इसमें मेल फीमेल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जब वो जीन्स पहन सकते हैं तो क्या वो नहीं कर सकते क्या? हाँ वो तो बराबर ही हो चुका है, बराबर हो चुका है। खैर यहाँ पर अगर आप मसूरी में आते हो ना तो लाइन्स ऐसी शॉप्स मिलेंगी, थोड़ा माल रोड से जब आगे जाते हैं ना तो तिब्बत मार्केट भी पड़ती है। वुलन स्टफ जो होता है ना वो यहाँ पे आप ले सकते हो, बहुत ही वाजिब दामों में मिलता है, हाथ का बनाया हुआ होता है, तो मेहनत लगी है इनकी तो इनके लिए भी अच्छा होता है। जो भी आप चीज़ें लेके जा रहे हो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें, हाँ सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने अभी ये पहना हुआ है ना, ये सामने वाली आंटी के यहाँ से लिया है, तो पहनते ही इसको फील आ रहा है, मतलब बहुत ही थिक है और कान में गरम गरम फील होने लगा है, तो ऊन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ऊन यूज़ होता है। सारे काफी समय से पहाड़ों में घूम रहा हूँ तो ठीक है ये सारी चीजें अब काम आएंगी। यहाँ खैर उतनी ठंड अभी नहीं लग रही लेकिन हाँ ये है बहुत अच्छी चीज। मसूरी मॉल रोड में एक शॉप मिली हमें, कैफे लाइब्रेरी, और यहाँ पर केक्स स्नैक्स कॉफी वगैरह मिलती है। यहाँ पर हमने मंगाया है एगलेस वॉलनट ब्राउनी। रात को जब हम लोग यहाँ पर आए थे हमने ये ट्राई किया था तो बड़ा अच्छा लगा था, हम यहाँ से 2 ब्राउनी लेके गए थे अपने रूम में खाया था, तो मैंने सोचा सुबह जब आऊँगा तो आपको दिखा भी दूंगा। तो ये मसूरी मॉल रोड में बीचों बीच जो चौक है यहाँ पर कैफे लाइब्रेरी करके एक ये शॉप है, यहाँ पर आपको केक मफिन्स ब्राउनी कॉफी वगैरह मिल जाएगी। ले लो ये मेरी हुई। अच्छा 60 रुपीज़ की ब्राउनी है यार, बहुत सही है। हाँ भी ट्राई करो भैया, लाजवाब। इस रोड से सीधे आप जाते हैं तो कैंप्टी फॉल भी आता है जो कि मसूरी का एक वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वाटरफॉल में वैसे भी हम में से किसी को नहाना है नहीं और वहाँ बहुत क्राउड है, क्योंकि जितने भी लोग मसूरी घूमने आते हैं खासतौर से फैमिली के साथ तो वो कैंप्टी फॉल तो जाते ही जाते हैं। और इसी रोड को फॉलो करते हुए आप 3 किलोमीटर तक आगे जाएंगे तो वहाँ पर आता है दलाई हिल्स, तो अभी हम दलाई हिल्स जा रहे हैं। देखो कैंप्टी फॉल 13 किलोमीटर है यहाँ से, तो ये रास्ता जो नीचे जा रहा है ये कैंप्टी फॉल का रास्ता है, यहाँ से 13 किलोमीटर आपको आगे जाना है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो दलाई हिल्स आएगा। मीटर करीब आपको चल के आना होता है नीचे से, इन सीढ़ियों को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आएगा दलाई हिल्स। सो अभी हम लोग आ गए हैं दलाई हिल्स के एकदम टॉप वाले व्यू पॉइंट पे, और यहाँ से आप चारों तरफ देखोगे ना तो 360 व्यू है पूरा माउंटेन से घिरा हुआ, और यहाँ पर गौतम बुद्ध का एक स्कल्पचर भी है, तो इतनी ऊंचाई पे मतलब पीछे बिल्कुल नीला आकाश दिख रहा है, चारों तरफ माउंटेन्स है और ये सुनहरी चमचमाती हुई गौतम बुद्ध की मूर्ति। तो यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ की ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, और चारों तरफ यहाँ पर लांबा फ्लैग्स लगे हुए हैं तो बहुत ही वाइब्रेंट सा फील है यहाँ पे। यहाँ से नीचे जब आप जाते हैं जहाँ से हम चल के आए थे वहाँ पर बुद्धा टेंपल भी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, मॉनेस्ट्री और एक मंदिर भी है वहाँ पर। बाकी आप नीचे की तरफ यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लवासना का भी इंस्टीट्यूट पूरा साफ दिखाई देता है। लवासना आपको पता ही होगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सामने बिल्कुल साफ दिखाई देता है, देखो पीछे उसका हेलीपैड भी दिख रहा है। और यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, पूरा ओपन वैली है तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पूरा मसूरी टाउन है वो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है जब मौसम खुला होता है, और हालांकि मौसम अभी खुला है तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे दिख रहे हैं, और उसके पीछे आप देखो हिमालयन रेंजेस भी दिख रही हैं, तो स्नो कैप माउंटेन भी यहाँ से देखे जा सकते हैं, तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। और सामने गौतम बुद्ध का जो स्कल्पचर लगा हुआ है बड़ा सा, उसके नीचे आप उतर कर जाते हैं तो वहाँ पर एक कैंटीन भी है, तो चाय कॉफ़ी वगैरह पीना तो वो भी आप वहाँ जाकर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं इन वादियों के बीच में। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है तो अगर आप मसूरी आते हैं तो इस जगह पे भी विजिट कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग रुक कर मैगी वगैरह खा रहे हैं ना, यहाँ से बिल्कुल सामने जॉर्ज एवरेस्ट व्यू पॉइंट भी दिखता है, वो देख रहे हो वो जो 2 पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं, 2 ऐसी चोटियाँ दिख रही है, वो है जॉर्ज एवरेस्ट, वो वहाँ पे जाना है हमें। यहाँ से तो फिलहाल बहुत दूर दिख रहा है लेकिन हम कोशिश करेंगे शाम तक आज के दिन में उसे जाकर देखने की, कवर करेंगे उस स्पॉट को भी। मसूरी मॉल रोड से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर है जॉर्ज एवरेस्ट,
तो वापस अभी हम अपने होम स्टे की तरफ ही जा रहे हैं और वहाँ से हमें और आगे की तरफ जाना है कुछ 3 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ पर आएगा जॉर्ज एवरेस्ट व्यू पॉइंट। ये अपना होम स्टे प्रेम जी। क्लाउड हिल मतलब बाइक से जाके आ सकते हैं वहाँ? तो पूरा बाइक से बाइक लगी रहती है वहाँ पे, लोकेशन बड़ी मस्त है। आप उसी तरफ जा रहे हैं? हम तो वही जा रहे हैं, वही जाते हैं घूमने। तो चलो, अगर चल रहे हो आप चलो फॉलो करते हुए चलते हैं। हाँ, तो पीछे शॉप पे भाई साहब मिल गए और इन्होंने बोला कि आप यहाँ से सीधे जाओ, यहाँ पर क्लाउड हिल्स करके एक व्यू पॉइंट है, तो पहले वो जाकर देखो, बहुत ही अच्छी जगह है और वहीं से रास्ता है जॉर्ज एवरेस्ट का। काफ़ी स्टीप है यार ये, ओह माय गॉड, फुल ऑफ रोड है यार यहाँ पे तो। लो आप बताओ कहाँ जाना है? अभी यहाँ से दो रास्ते दिख रहे हैं हमें, पता नहीं अभी कहाँ जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। जिन भाई को हम फॉलो कर रहे थे वो तो आगे निकल के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ पे गाड़ी लगाओ, यहाँ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, इतनी अच्छी लोकेशन मिल गई है। जॉर्ज एवरेस्ट और क्या नाम है क्लाउड एंड को बाद में देखेंगे। नीचे घोड़े देखो घास चल रहे हैं, एक छोटी सी झोपड़ी बनी है, शायद अस्तबल है घोड़ों का। बस 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 सेंटर पे बस। तो अभी यहाँ पर इतनी प्यारी सी लोकेशन मिल गई है, चारों तरफ पाइन ट्रीज हैं और बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ है। तो यार हमें जहाँ पर जाना था वो जगह तो अभी मिल नहीं रही नेविगेशन में, हम बड़ी देर से ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रुक कर कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं क्योंकि लोकेशन वाकई में बहुत अच्छी है। तो उन पिक्चर्स को आप देख सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर अगर आप चाहो तो। जब दो दो महान फोटोग्राफर चल रहे हो ना साथ में तो एक अच्छी चीज़ होती है, एक बंदा फोटो खींचता है दूसरा बिहाइंड द सीन भी शूट कर लेता है। यहाँ से ऊपर चढ़ के जाओगे तो जॉर्ज एवरेस्ट आएगा। बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी अपनी और यहाँ से अब ऊपर चलना है। हालांकि इस समय ट्रैक करने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 500 मीटर के आसपास है, आधा किलोमीटर ऊपर कहीं पे। तो ऊपर पहुँच कर आपको ज्वाइन करता हूँ मैं। जॉर्ज एवरेस्ट पीक का ये रास्ता आपको सर जॉर्ज एवरेस्ट के घर तक लेके जाता है। सर जॉर्ज ब्रिटिश एरा में 1830 से 1843 के बीच एक जियोलॉजिस्ट और सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे और उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की हाइट का एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया था। तो जब तानजिंग नॉर्गे और एडमंड हेलरी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया तो सर जॉर्ज को ट्रिब्यूट देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा। और कहा यह भी जाता है कि इंडिया का मैप भी इसी जगह बनाया गया था। जॉर्ज एवरेस्ट पीक को क्लाइम करने में अप्रॉक्स 30 मिनट्स लगते हैं और क्योंकि ये मसूरी का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है तो लोकल से बात करके पता चला कि आने वाले टाइम में इस स्पॉट में एक म्यूजियम भी बनने वाला है। फिलहाल तो ये अबैंडेंड प्रॉपर्टी है लेकिन ऐसा बता रहे हैं यहाँ के लोकल लोग कि आने वाले टाइम में यहाँ पर म्यूजियम बनने वाला है उन्हीं के नाम से, जहाँ सर जॉर्ज एवरेस्ट से जुड़ी हुई और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके और हम लोग इस समय खड़े हुए जॉर्ज एवरेस्ट व्यू पॉइंट के बिल्कुल पास में। जॉर्ज एवरेस्ट व्यू पॉइंट बिल्कुल हमारे पीछे है और ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। अगर आप आते हो तो यहाँ पर जल्दी आने की कोशिश करो, मतलब आप 3-4 बजे तक यहाँ पर आ जाओ तो मतलब 5 बजते आप अच्छे व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। शाम हो जाती है तो अच्छे नज़ारे आपको दिखते हैं। शाम होते होते यहाँ का जो माहौल है ना इतना शांत इतना पीसफुल हो गया और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को ये वाला जो एम्बियंस होता है ना बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। अभी पहले मैंने सोचा था कि वापस मॉल रोड जाएंगे, वहाँ पर शाम के समय में थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन ये जगह इतनी पीसफुल इतनी इतनी गज़ब की वाइब है ना, इसलिए मैंने यहीं पर रुकना सही समझा। ऊपर मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि देर हो जाती है और फिर अंधेरे में वहाँ पहुँचता और ना अच्छे विजुअल्स मुझे देखने के लिए मिलते हैं, ना ही मैं आपको कुछ अच्छा दिखा पाता। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए और यहाँ पर चाय वाय पी रहे हैं थोड़ी देर, कैंटीन पीछे ही है और यहाँ से सनसेट हो रहा है तो बहुत अच्छा नज़ारा है, मतलब बिल्कुल होराइजन जो होता है ना वैसा दिख रहा है यहाँ पर। तो नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ पर और अंधेरा होने से पहले मुझे नीचे भी जाना है, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पर रुक कर मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाकी आप लोग यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय करो और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। कुछ हमारे नए दोस्त आ गए हैं यहाँ पर। पहाड़ों पे जब आते हो ना तो यहाँ के डॉग्स बड़े फैमिलियर होते हैं। देखो सुबह भी हम लोग घूम रहे थे तो 2-3 डॉग्स मिल गए जो पीछे पीछे हमारे साथ साथ चल रहे थे। सो गाइस अभी हम लोग मसूरी मॉल रोड में बैठे हुए हैं और रात के करीब 11 बज चुके हैं, कुछ थोड़ी बहुत दुकानें भी खुली हुई हैं। तो यहाँ पर रात में जो मार्केट होती है मेन मार्केट वो करीब 11 बजे तक खुली रहती है, तो 11 बजे तक आप
होटल वगैरह आपको मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। बाकी जो माल रोड है, माल रोड का ये जो व्यू पॉइंट है ये इसलिए फेमस है कि आप यहाँ से जब देखते हैं ना तो यहाँ से पूरा मसूरी इतना ब्यूटीफुल दिखता है, और खासतौर से रात में जब आप देखते हैं तो, क्योंकि सारे घरों में लाइट जल जाती है, यहाँ से आपको नीचे पूरा मसूरी, नीचे देहरादून का एरिया जो है बहुत ही साफ दिखता है। आई मीन जगमगाती हुई लाइट दिखती है तो बहुत ही प्यारा दिखता है। तो यहाँ पर लोग आके बैठते हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं और इस ब्यूटी को इन्जॉय करते हैं। जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ पर सामने मसूरी की लाइब्रेरी है, मसूरी की बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, और पीछे आप देख सकते हो एक गुरुद्वारा भी है। तो ये भी एक मसूरी मॉल रोड का है, जैसा बोल सकते हैं कि एक लैंडमार्क टाइप का है, जगमगाता हुआ गुरुद्वारा, गोल्डन कलर का उसका गुंबद है तो बहुत अच्छा दिखता है। अभी हमने पूरा दिन एक्सप्लोर किया है मसूरी को तो सब लोग थक गए हैं, तो इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा मतलब स्लो फील हो रहा है सबको। बाकी यह है कि हमारा जो प्लान है यहाँ से आगे जाने का, यहाँ से हमें जाना है चकराता, और चकराता उत्तराखंड का एक अनसीन विलेज है, मतलब कि वहाँ पर बहुत कम लोग गए, बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया, और वो फेमस है स्नोफॉल के लिए। आई होप हमें स्नो देखने के लिए मिल जाए, वो तो खैर आगे पता चलेगा। सो फिलहाल अभी इतनी अपडेट है, बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोज अच्छे लगते हैं तो चैनल को सपोर्ट करो, लाल वाला बटन दबा के जाओ। सो एनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।